महाराष्ट्र में नई सरकार गठन के बाद अब शिवसेना पर दावेदारी को लेकर जोर आजमाइश हो रही है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों के ही अपने अपने दावे हैं। दोनों खेमे की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उद्धव गुट की ओर से दायर सभी याचिकाओं पर आज भी सुनवाई हो रही है। शिवसेना बनाम शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस मामले में सभी याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। इसको लेकर हमने एक पोल रखा कि क्या उद्धव बचा पाएंगे शिवसेना को, और इसमें चौंकाने वाला नतीजा सामने आया है। पोल में 15,139 लोगों ने पोल किया और पोल में 62% लोगों ने कहा कि हाँ, उद्धव अपनी शिवसेना को बचा लेंगे। वहीं 32% लोगों ने कहा कि नहीं, उद्धव अपनी शिवसेना नहीं बचा पाएंगे। वहीं इस दौरान कई लोगों ने इस पोल पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। फैज खान कहते हैं कि बाला साहब ने जिसके सर पर अपना हाथ रख दिया, शिवसेना सिर्फ उसी की रहेगी, सिर्फ उद्धव साहब। वहीं कादिम प्रधान कहते हैं कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, जो सच्चा होगा वो जीतेगा। इतनी सी बात पे रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नाहेल शेख कहते हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की ही रहेगी, भले ही आज बड़ी राजनीति पार्टी बन गई है, पर यह विरासत सिर्फ ठाकरे परिवार की है, उनके पिता ने बनाई है ये पार्टी। रुस्तम लिखते हैं कि शिवसेना को आदित्य ठाकरे आगे ले जाएंगे, हम उनके साथ हैं। वहीं सपना पांडे लिखती है कि असली शिवसैनिक एकनाथ शिंदे ही हैं। श्री स्वामी का कहना है कि बचाने की क्या जरूरत है, स्कूल का बच्चा भी बताएगा शिवसेना किसकी है। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि शिवसेना किसकी है और किसकी नहीं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी निर्भर करता है कि वो किसके पक्ष में अपना फैसला देते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बीच कोर्ट ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कुछ अहम मुद्दे उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मामला बेहद संवेदनशील है, अनुच्छेद 32 के तहत दोनों समूहों को पहले उच्च न्यायालय जाना चाहिए था, इस मामले की सुनवाई संवैधानिक पीठ के समक्ष होनी चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सुनवाई 1 अगस्त को होगी, लेकिन अब यह सुनवाई 3 अगस्त को हो रही है। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 39 विधायकों के समर्थन के साथ विद्रोह का विगुल फूंका था, पहले सूरत फिर गुवाहाटी उनका ठिकाना बना। उस वक्त शिवसेना की ओर से शिंदे समूह के 16 विधायकों को नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के खिलाफ शिंदे समूह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं उद्धव गुट की मांग है कि शिवसेना से अलग हुए शिंदे समूह को संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए और उनके समर्थन से सत्ता में आई सरकार को असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। शिवसेना ने इस बड़ी मांग समेत कई बातों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। उद्धव ठाकरे गुट ने नई याचिका दाखिल कर ये मांग भी की कि सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के चुनाव चिन्ह को आवंटित करने के लिए चुनाव आयोग में चल रही प्रक्रिया पर रोक लगाए। उद्धव कैंप की एक और याचिका में लोकसभा स्पीकर की कार्रवाई को भी चुनौती दी गई। तो वहीं इस याचिका में शिंदे पक्ष के सांसद राहुल शेवाले को लोकसभा में पार्टी के नेता और भावना गवाले को चीफ व्हिप के रूप में मान्यता दी जाने का विरोध किया गया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।